आर्थिक भूगोल पढ़ने वाले 5 अध्याय है इसमें। पहला अध्याय है कृषि एवं सिंचाई, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब आप जानते हैं हमारे यहाँ कृषि बिना सिंचाई के संभव। हाँ, तो उसी दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, कृषि एवं सिंचाई के रूप में। किस रूप में जानना है तो पहले ये जानना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिए, पढ़े होंगे तो वहां पढ़े होंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। जैसे भारत देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, क्योंकि कृषि डिपेंड करती है क्लाइमेट पर, मिट्टी संसाधन पर, वहां की पूरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर, यही है कृषि। आप बोलेंगे अगर जो मध्य छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ या मध्य भारत में जो खेती होता है हिमालय में हो जाए संभव, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक सिचुएशन अलग अलग है। तो भारत देश में ऐसे कई विविधता है जलवायु में, इसी आधार पर भारत की कृषि को 15 भागों में बांट दिया गया, उसको बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। वैसे हमारे यहाँ भी विशेषता है, भौतिक समझ चुके हैं आप, भूगोल आप देखे हैं, ऊपर नीचे पूरा पठार और अधिकतर भूभाग पहाड़ है, लेकिन बीच में अधिकतर भूभाग मैदान है, बस सीमावर्ती बस दिखेगा ऊंचा, लेकिन बाकी बीच का क्या है, दबा हुआ भूभाग है। तो हर क्षेत्र का जलवायु अलग अलग पढ़ चुके हैं आप, जलवायु की स्थिति बता चुका हूं मैं आपको, ऊपर नीचे ठंडी मिलेगा, बीच में कंपैरिजन कम ठंडी है। मिट्टी आप पढ़ चुके हैं, अधिकतर मिट्टी जो लाल पीली है वो बीच में है, दक्षिण क्षेत्र में लाल पीली नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो मिट्टी की स्थिति अलग अलग है, जलवायु अलग अलग है, तो वहां पर प्रभाव कृषि का भी पड़ेगा। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ के जो कृषि है उसको बांटा गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। इसमें क्या पढ़ना है तो उस पर पहले बात कर रहा हूं, एक पढ़ना है कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र। पहले कृषि की बात कर रहा हूँ, सिंचाई पर अगले पॉइंट पे आऊंगा, ये अभी काम का नहीं है। कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ना है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। जैसे भारत देश में आप पढ़े होंगे वैसी कहानी यहां पर है। तो यहां से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, तो 3। जैसे आप भौतिक विभाग पढ़े कितने, 4। हाँ, वैसी टाइप के इसकी भी कहानी है, छत्तीसगढ़ 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बटा हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा जानना है फिर कृषि की स्थिति जानने के लिए होता है सेंसस, जैसे आपका सेंसस होता है, नहीं 11 पढ़ ली है क्या, हमारे सेंसस से क्या पता चला, हमारी स्थिति पता चली कि कौन एसटी है, कौन एससी है, कितना सेक्स रेशियो है, कितनी महिला की संख्या है, कितने पुरुष हैं, ऑल ओवर पॉपुलेशन कितना, यही सब चीज पता चला, शहर में कौन रह रहा है। वैसे ही कृषि की स्थिति जानने के लिए होता है एग्रीकल्चर सेंसस, और सेंसस रिपोर्ट है हमारे पास 15-16 का, पढ़ना है वो। फिर होता है कृषि सांख्यिकी, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स, कृषि सांख्यिकी, और ये डाउनलोड करवा दिया हूं मैं, फॉरेस्ट पढ़ा रहा था तब याद होगा। तो अभी हमको कृषि सांख्यिकी पढ़ना है 21-22। 21-22 कहने से आशा ये है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2000, हाँ अब बताऊं मैं, 28 जिला माकड़ मत फड़फड़ा जावे, 33 कहाँ मत कवे तिहा, 30 जून ला देख ले डेट ला, 33 जिला कब हुए, सितंबर ऐसे कुछ पता हुई ना। हाँ तो 28 में आंकड़ा पढ़वे कृषि सांख्यिकी को, मतलब समझ जावे, आंकड़ा बताने वाला है कत्ता में 28 में, नया कृषि सांख्यिकी क्या ही कब, जब प्री दे डरवे तेकर बाद, जैसे बजट आई मार्च में आते फर्स्ट वीक में हमारी यहाँ बजट, बजट आई समझ जावे ते नया कृषि सांख्यिकी पढ़ना है, अनंत काल तक नहीं पढ़ना है। अब जितना चैप्टर बता रहा हूँ सब जो है वो हर साल में बदलने का है, इसीलिए उसको अलग से रखा गया है, उसको आर्थिक बोला जाता है इसीलिए, क्योंकि पूरी एक्टिविटी क्या है इकोनॉमिक है, तो इस पर बदलाव होगा ही कुछ ना कुछ, वो हर साल बदलने का, अनंत काल नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले से बता दिया हूँ, पता चले अभी पढ़ाया हूँ, आप प्रीलिम्स के बाद भी मेंस में पढ़ ही रहे, इसकी वैलिडिटी केवल प्रीलिम्स तक है, अगेन रिचार्ज करना पड़ेगा प्रीलिम्स के बाद, अब कैसे रिचार्ज करेंगे वो आगे चल के बता रहा हूँ मैं, लेकिन अभी इसकी वैलिडिटी केवल हाँ 11 फरवरी तक है, 11 फरवरी के बाद पढ़ना नहीं है, जो आंकड़ा बताऊंगा उसको उसको अपडेट करना पड़ेगा जब मार्च में फर्स्ट वीक में बजट पेश हो जाएगा तब। कृषि सांख्यिकी पढ़ना है एक, फिर पढ़ना है फसल संरचना।
अब ते सुने हो बा दलहन तिलहन ऐसे कुछ खाद्य अखाद्य फूड ग्रेन्स नॉन फूड ग्रेन्स ऐसा सुने हो बस, खाद्य फसल अखाद्य फसल। हाँ तो वो यही जानना है फसल संरचना में। फिर जानना है फसलों की स्थिति, फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ में कृषि की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ ने किस प्रकार उपलब्धि अर्जित की है, इसमें फिर जानना है आपको कृषि की समस्या, समस्या भी बरकरार है इसमें और इस समस्या का फिर निवारण समाधान, मतलब समाधान किस रूप में, योजना के रूप में, ये सब पढ़ना है कृषि में। सिंचाई बाद में डील करूंगा, अभी कृषि ही समझ ले आप, सिंचाई का मुद्दा सिंचाई पढ़ाएंगे तब बताएंगे, कृषि का बात कर रहा हूँ। कृषि में ये सब चीज पढ़ना है आपको और ये पूरा डायनेमिक है, बदलना है आपको, स्टैटिक नहीं है। मतलब प्रीलिम्स के बाद पूरा आंकड़ा जो जो बताऊंगा वो सब बदल जाएगा, आपको बदल के पढ़ना पड़ेगा। जब मेंस देने वाले रहेंगे जून में तब, अनंत काल तक नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वेबसाइट कहाँ कहाँ से अपडेट करना है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। वेबसाइट अपडेट करना है एक तो जो शुरू से है revenue.cg.nic.in, यहां से मिलेगा आपको कृषि सांख्यिकी, ये जो बताया हूं वहां से मिलेगा कृषि सांख्यिकी। एक पढ़ना है agriportal.cg.nic.in, कृषि विभाग का वेबसाइट है छत्तीसगढ़ सरकार का, agriportal.cg.nic.in, वहां से पूरा अपडेट हो जाएगा आपका कृषि संगणना वगैरह, कृषि जलवायु क्षेत्र वगैरह। कृषि सांख्यिकी से ही ये सब चीज अपडेट होगा जो देख रहे हैं, ये ऊपर का कृषि की उपलब्धि यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन मेन कृषि सांख्यिकी में आपको मिलेगा, तो वो दो वेबसाइट है जिससे इस पूरे चैप्टर को अपडेट करना है। ठीक, अभी बात कर रहा हूँ पहले पॉइंट पर, वो है कृषि जलवायु क्षेत्र। चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण क्वेश्चन आता है, 22 में भी आया था ठीक ठाक। पहली तो आपको एक पर्सनल सलाह है मेरा, माने तो बुक उक नहीं खरीदेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन वो फिर मैं जान रहा हूँ तो भी से बोलना मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं केवल मार्गदर्शक के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, तो बुक नहीं खरीदेंगे। आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना होगा तो यूट्यूब में मेरा एक वीडियो है, उड़ान के चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो ठीक, नहीं किए होंगे तो सर्च मार लेना ऋषि साहू आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा, 2 घंटा का वीडियो है पढ़ लेना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, पहले से बता दिया हूँ मैं, रहा तो पढ़ाऊंगा जरूर, मेरा दायित्व है। आप पहले से पढ़ लीजिए, कुछ उसमें दिक्कत आएगा तो मेरे क्लास में आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं उन लोग, आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो है यही 22-23 ही पढ़ना है, कोई पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है वो बता रहा हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण नाम का कोई चीज नहीं होता है। आधा हमारे यहाँ युवा फ्रस्ट्रेटेड है, वो कोई बोल देगा आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आते टप ले कोई पब्लिकेशन जा खरीद लीजिए फलाना पब्लिकेशन, आंकड़ा है आर्थिक सर्वेक्षण, अच्छे अच्छे धारा सही हो जाते हैं तो आपको बुक देखने समझ आ जाएगा। यह नॉर्मल थ्योरी लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है, तो आंकड़ा समझ जाओगे आप, वो भी इकोनॉमी, संभव नहीं है ना। तो इसमें से ये चैप्टर आप पूरा पढ़ चुके, मैं अपडेट करा दिया हूं जब सेंसस पढ़ाया था, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चल के ये चैप्टर आपका कृषि वानिकी पढ़ा दिया हूं, खनिज पढ़ाऊंगा, उद्योग पढ़ाऊंगा, ये वाला सेगमेंट ये पूरा आगे चल के अभी पूरा पढ़ेंगे किसमें, आर्थिक भूगोल में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब करना कहाँ है वो मुद्दा है। ये भी पढ़ा दिया हूं आपको, शिक्षा पूरा अपडेट करके पढ़ा दिया हूं। ये जो है चिकित्सा लोक स्वास्थ्य नगरीय ग्रामीण, ये सब हम पढ़ते हैं मेंस के एग्जाम के लिए, योजना पढ़ते हैं तब। जब मैं बात करूंगा ग्रामीण विकास, जब अर्थव्यवस्था खोलूंगा छत्तीसगढ़ का पेपर नंबर 5 भाग 1, तब पूरे ग्रामीण विकास पर बात करूंगा।
उसी पर महिला सशक्तिकरण है सिलेबस में, महिला सशक्तिकरण आएगा तो हम देखेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहानी और समाज में किस प्रकार सशक्त हो, पूरा मेंस का सिलेबस है। अब बता आर्थिक सर्वेक्षण में बाचिस का कहीं बाचे, ये दे ये है रे आर्थिक सर्वेक्षण, ये वीडियो है यूट्यूब में, पढ़े मन करी पढ़ लेवे नित में नहीं जानो, 2 घंटा 20-10 मिनट के है। और समाज आज ही सरल सिंपल भाषा में कहे हो, बाकी आर्थिक सर्वेक्षण पहली बता दो, सब क्लास में पढ़वे अपडेट हो जाए, तोला पढ़ना है वो जो ऊपर के 4 चैप्टर वो भी अभी कृषि पढ़ा हूँ तेला बता ही दू, पीडीएस ला मेंस में है थोड़ा से, बाकी 3 ही चैप्टर पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और स्टेट इनकम, वही बस पढ़ना है, कुछ नहीं है, वो 2 घंटा में है, पढ़ लेना एक बार पढ़ी। कि 22 में 5 से 6 क्वेश्चन आए वो आर्थिक सर्वेक्षण से, प्रीलिम्स 2022 की बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं बता दिया हूँ पहले, आप उसमें से पढ़ लेना, जो समस्या आएगी बताना। तो अब मैं कृषि पर बात कर रहा हूँ, कोई इसीलिए बोला हूँ बुक नहीं खरीदेंगे, मैं पहले से बोला हूँ, अब खरीद लेंगे तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, सलाह देने के लिए आया हूँ, मैं सलाह दे सकता हूँ, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, ठीक, उससे बढ़िया वो आप पढ़ लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। चलिए इस पर बात कर रहा हूं, पहले कृषि जलवायु क्षेत्र आया समझ आपको, देखें तो कृषि जलवायु क्षेत्र है, और कृषि जलवायु क्षेत्र है कितने, छत्तीसगढ़ में 3। प्राइमरी प्रश्न यही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो छत्तीसगढ़ 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा हुआ है अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू, 5 संभाग है ऐसा कुछ जानते हैं आप, बस्तर नीचे, सरगुजा जो है ऊपर, सरगुजा संभाग है मध्य में, 3 संभाग है ये पढ़े हैं आप, बस्तर संभाग मतलब जिलों की संख्या 7 है ऐसा कुछ याद होगा, तो 7 जिले आते हैं यहाँ, कौन कौन से 7 जिले, ये 7 जिले हैं, कांकेर से स्टार्ट करेंगे, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। सरगुजा क्षेत्र में जिले आते हैं कितने, 6 पढ़ चुके हैं आप, ये 6 जिले हैं वहां। दुर्ग में वर्तमान में जिले हैं 7, और इन 7ों जिला पर भी डिस्कस हो चुका है। रायपुर डिवीजन 5 जिला है, बिलासपुर 8 जिला है ऐसा कुछ याद होगा तो आपको, ये आप 5 संभाग पढ़े। मैं बात कर रहा हूं कृषि जलवायु क्षेत्र की, कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है, उत्तर, मध्य और दक्षिण के रूप में। मैं शुरू से चर्चा करते हुए आया हूँ कि एक उत्तर छत्तीसगढ़ है, दूसरा दक्षिण छत्तीसगढ़ है, और दोनों हटा देंगे तो बीच का भूभाग मध्य छत्तीसगढ़ है, उसी के हिसाब से ही कहानी है यहाँ पर। ये है आपका डिविजन कौन सा, बस्तर नीचे, बस्तर संभाग, इसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा नाम दिया गया है बस्तर कृषि जलवायु क्षेत्र, बस्तर का पठार एक याद रखना है, बस्तर का पठार कृषि जलवायु क्षेत्र, पूरा दक्षिण का भूभाग आता है, मतलब बस्तर संभाग बोल रहा हूं इसीलिए। ऊपर का हिस्सा, ऊपर मतलब सरगुजा संभाग, ये आप देख रहे हैं सरगुजा का पूरा जियोग्राफिकल एरिया, ये एक कृषि जलवायु क्षेत्र है, नाम दिया गया है उत्तरी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र, सेकंड याद रखना है। अब बचा एक ही, पूरा मध्य का भाग, मध्य मतलब 3 संभाग, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इन तीनों का जो भी एरिया आता है उसको नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र,
तीन जानना है, पहले तो तीन कृषि जलवायु क्षेत्र है, फिर उसके बाद नाम जानना है, उसके बाद कुछ कहानी है इस पर। अब जो तीन कृषि जलवायु क्षेत्र है इसका कुछ ना कुछ होगा क्षेत्रफल, नहीं एक्सटेंशन तो होगा ना, बिना एक्सटेंशन की कहानी है। कृषि जलवायु क्षेत्र है इसमें से एक तो जानना है क्षेत्रफल, एरिया के आधार पर, फिर जानना है उस क्षेत्र में मिट्टी पढ़े हैं जो, फिर वहां पर जानना है वर्षा की स्थिति, और फिर है फसल। अब कुछ ना कुछ विशेषता होगी उस कृषि जलवायु क्षेत्र की। अगर बात किया जाए इन तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र में, तो पहला पॉइंट है वो है आपका क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया कितना है। कोई भी एक कृषि जलवायु क्षेत्र है तो बड़ा कौन सा हो सकता है, है नहीं? लगभग छत्तीसगढ़ का 50% कृषि क्षेत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। जितना खेती होता है मैं आगे चल के बताऊंगा, 57.03 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ कृषि सांख्यिकी 21-22 में खेती किया गया है, उसमें से 50% खेती का भूमि आता है मध्य हिस्सा में, या इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र। दूसरा बड़ा होना चाहिए क्या, जितना कृषि भूमि है उसमें लगभग कंट्रीब्यूशन है 29%, 29% कृषि क्षेत्र जो आता है वो कहाँ, बस्तर के पठार में, और अब छोटा यही होगा। तो बताना ये चाह रहा हूं, कंक्लूजन ये है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये सबसे बड़ा है। छत्तीसगढ़ का मैदान प्रदेश का सबसे बड़ा प्रश्न आ चुका है, कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, तो उत्तर है छत्तीसगढ़ का मैदान, एक प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न आया है किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, तो वर्षा के लिए आपको पहले बताया दंडकारण्य क्षेत्र फेमस है, जिलों का नाम मिलेगा, मैक्सिमम रेनफॉल होता है कहाँ, दंडकारण्य क्षेत्रों में, यहाँ आपको वर्षा मिल जाएगा 1500 मिलीमीटर से भी अधिक, 1500 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा दर्ज किया जाता है बस्तर पठार कृषि जलवायु क्षेत्र में। फिर दूसरे नंबर पर है वो है उत्तरी पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र, 1250 से अधिक मिलीमीटर यहाँ औसत वर्षा दर्ज की जाती है, और फिर सबसे कम वर्षा, बात कर रहा हूं मिनिमम रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है छत्तीसगढ़ के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में 1200 मिलीमीटर के आसपास। कंक्लूजन ये है, आंकड़ा याद नहीं रखना है, कंक्लूजन ये है कि मिनिमम रेनफॉल कहाँ है, तो मिनिमम रेनफॉल जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो छत्तीसगढ़ का मैदान है, न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत छत्तीसगढ़ का मैदान। मिट्टी याद होगा तो मैं बोला था मिट्टी को स्थानीय नाम के आधार पर ध्यान देना है करके, ध्यान में होगा तो, जो आप मिट्टी का स्थानीय नाम सुने हैं, लाल पीली को मटासी, काली मिट्टी को कन्हार, और इन दोनों का मिश्रण डोरसा, और जो ऊंचा क्षेत्र में पाया जाता है वो भाटा। मैं पहले ही बोला था ये जो नाम है वो मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र के नाम है, मतलब मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र में जो कन्हार मिट्टी मिलता है काली, जो लाल पीली मिलता है मटासी, और जो दोनों का मिश्रण है, और ऊंचा क्षेत्र में जो भाटा लेटराइट मिट्टी जिसको बोल देते हैं ऊपरी भूभाग में, उसको नाम दिया गया है। हर कृषि जलवायु क्षेत्र में ऐसे अलग अलग नाम है, ये तो है मध्य। तो यहां से ध्यान जो देना है, पहला तो कहानी पहला कृषि जलवायु क्षेत्र का है क्या, उत्तर से आ रहा हूं, उत्तरी पहाड़ी एक कृषि जलवायु क्षेत्र ये है, दूसरा है
छत्तीसगढ़ का मैदान दूसरा कृषि जलवायु क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का मैदान, और तीसरा कृषि जलवायु क्षेत्र है बस्तर का पठार। याद रखना इसमें पहले तो इसके विस्तार को लेकर मैं बोला कि लगभग 21% जो छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र है वो है उत्तरी पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र में। सबसे अधिक विस्तृत है कौन? छत्तीसगढ़ का मैदान, और उसके दूसरे नंबर पर है कौन? बस्तर का पठार। ठीक, मिट्टी की बात किया जाए तो मिट्टी मैंने आपको बताया जो नाम लिया गया है मिट्टी का, उसमें से सुने हैं जो आप, क्या मटासी, लाल पीली, काली, कन्हार, दोनों का मिश्रण, दोरसा, और ये यही है नाम इसका। छत्तीसगढ़ के मैदान में मिट्टी का स्थानीय नाम है चार, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नाम यहाँ भी मिले यहाँ भी मिले। इस क्षेत्र के किसान या इस क्षेत्र में मिट्टी को स्थानीय नाम के रूप में जानते हैं। जो उत्तरी पहाड़ी है उसकी बात कर रहा हूं, गोंदा, छावर, छावर, टिकरा, बहरा, ये उत्तरी पहाड़ी कृषि। मिट्टी वही है, लाल पीली काली मिट्टी है, भाटा मिट्टी है, लेकिन उधर कृषि जलवायु क्षेत्र में इसका ये स्थानीय नाम है, जैसे यहां उसका स्थानीय नाम। बस्तर के पठार में जो मिट्टी का स्थानीय नाम है वो है टिकरा, मरहान, बाड़ी, गाभर, ये बस्तर के पठारी क्षेत्र में मिट्टी जो मिलते हैं उसका स्थानीय नाम है, वो मिट्टी याद रख लेना है। वर्षा की प्रकृति मैंने आपको बताया, वर्षा की स्थिति अगर आप देखें तो सबसे अधिक वर्षा होता है दंडकारण्य क्षेत्र में, यहां बताया गया है आपको 1250 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज किया जाता है। बीच में मिनिमम रेनफॉल है, 1200 मिलीमीटर के औसत वर्षा दर्ज किया जाता है, और सबसे अधिक वर्षा दर्ज किया जाता है 1500 मिलीमीटर से भी अधिक, कहां? दंडकारण्य क्षेत्र में, बस्तर का पठार कृषि जलवायु जो क्षेत्र है। अब थोड़ा कंक्लूजन में बता दिया हूं उस मैप से, वो कंक्लूजन ले लेना है। अब फसल की बात कर रहा हूं, अब फसल संरचना समझाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा, अभी केवल सुनिए, कुछ नहीं जान रहे होंगे तो। फसल एक तो सुने होंगे अनाज होता है, ऐसे कुछ दलहन तिलहन सुने है ना, हाँ उसी के हिसाब से बात कर रहा हूं। आगे फसल संरचना समझाऊंगा तो ये पॉइंट समझ आ जाएगा आपको। फसल की बात किया जाए तो तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र में जो फसल लिया जाता है वो तो लेगा ही कौन, फेवरेट है ना, हाँ इसका खेती होगा ही, इसको स्किप नहीं करना है, जाना था समर कल्चर रहे, बिना चाउर खाए हमें नहीं दे सका ना, नहीं फिर ऐसे लाते कई जन्म नहीं खाए हैं। हाँ तो धान एक मुख्य अनाज है क्या हर कृषि जलवायु क्षेत्र का, इसकी खेती कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में होगी, और सबसे अधिक खेती मिलेगी कहाँ? मध्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र, अनाज फसल है धान। ठीक, अनाज में आता है गेहूं भी, अनाज में आता है मक्का भी। तो पहले गेहूं पर बात कर रहा हूँ, गेहूं काली मिट्टी का फसल है और रबी फसल है। मैं फसल संरचना समझाऊंगा तो समझाऊंगा खरीफ रबी क्या होता है, रबी फसल है, मुख्य रूप से गेहूं की खेती होगा अनाज के रूप में मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र में, गेहूं की बोल रहा हूं, ऊपर नीचे नहीं हुए बहुत कम, ऊपर तनी हो जी जहां काली मिट्टी, नीचे तनी गेहूं बहुत कम है, नहीं बराबर बोल सकते, नेग्लिजिबल है। गेहूं के बाद एक फसल है मक्का, इसकी खेती आपको मिल जाएगा ऊपर और नीचे दोनों साइड, मक्का खास करके दक्षिण क्षेत्रों में मक्का, ऊपर के बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, इन जिलों में मक्का का उत्पादन होता है, तो मक्का है वो भी अनाज ही है। फिर अधिकतर जो अनाज है वो है मिलेट्स, मोटा अनाज है, जिसमें से रागी पर बात कर रहा हूं, रागी एक मुख्य मोटा अनाज है जिसकी खेती मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में होता है, रागी है। इसके अतिरिक्त
बस्तर क्षेत्र में ही मोटा अनाज की खेती होता है, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी के लिए जाना जाता है बस्तर का पठार कृषि जलवायु क्षेत्र। रागी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से कहा था ना मैं, है जो लिखे होते में थोड़ा गौर करेंगे। अब ये सब के सब हरे का अनाज, अनाज फसल है। दलहन में आता है चना, और चना है रबी फसल, और रबी में जहां जहां काली मिट्टी का विस्तार है उन क्षेत्रों में होगा। तो अगला जो याद रखना है वो है दलहन, और दलहन ये जितना नाम लिखा हुआ अनाज है दलहन पर बात कर रहा हूं। दलहन में एक आता है चना, चना है इसकी खेती उत्पादन मध्य छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से। छत्तीसगढ़ का दूसरा दलहन फसल है तिवरा, लाखड़ी कथन जिला, लाखड़ी तिवरा वो भी दलहन है, वो भी खरीफ है कि रबी, अभी खाओ बस ना, अभी मतलब खरीफ शुरू हुए थोड़ी नहीं, तो भाजी खाए तो बस अभी ये कोई देखे बरसात में भाजी खाए तीवरा भाजी। तो तीवरा क्या है, एक रबी फसल है। इसके अलावा होता है उड़द अरहर, लेकिन उड़द और अरहर जो है वो रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल, खरीफ में आता है, ये दोनों के दोनों रबी है, मध्य छत्तीसगढ़ के लिए जाना जाता है ये। और उड़द और अरहर, खास करके उड़द की खेती मिलेगी आपको सरगुजा क्षेत्र में, अरहर की खेती मिलेगा आपको सरगुजा क्षेत्र मुख्य रूप से। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं हुआ का होते, इति मुख्य रूप से होते घाट में। ठीक, ये है क्या दलहन। एक और आता है, अब सुने नहीं होंगे, अब सुना दे तो नहीं फड़फड़ आ जाएंगे, लनी बताई से। कुल्थी, वो बस्तर में होते, कुल्थी दाल का थे, कुल्थी एति हुई वहा दक्षिण क्षेत्र में होता है, ये दलहन फसल है जिसके लिए कृषि जलवायु क्षेत्र जाना जाता है। अब है तिलहन, तिलहन हमारे यहाँ मुख्य रूप से होता है सोयाबीन, और सोयाबीन की खेती होता है मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र में। सोयाबीन दूसरा तिलहन प्रमुख फसल है, वो है सरसों, और सरसों की खेती होता है उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र में मुख्य रूप से, यहाँ भी होता है। सोयाबीन मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र का उत्पादित फसल है, और सरसों दोनों का है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरी पहाड़ी में मिलेगा आपको सरसों की खेती। अलसी, अलसी है एक तिलहन फसल हमारे यहाँ मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र में आपको मिलेगा तिलहन के रूप में, मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र में तिलहन फसल के रूप में दिखेगा आपको। राम तिलक हमारे यहाँ तिलहन फसल है, ये दक्षिण क्षेत्र में दिखेगा। एक तिलित सुने छो बस, हाँ वो तिल मध्य क्षेत्र में दिखेगा। ये कुछ छत्तीसगढ़ के प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र और उसके फसल है। ऐसे कहा कुछ नहीं छोड़ दे भगा, आप सन्नी होकरो बस महु पंडित हरो समझ ले, सन्यासी तो ही नहीं सकूं, सन्यासी ऑप्शन नहीं देवे, मैं ऑप्शन देता हूँ। पंडित मन ऑप्शन देते नहीं, बेल पत्ता नहीं है जा पीपर पेट की पत्ता ले आ, पीपर पत्ता नहीं मिला तो आम पत्ता ले आ, प्रदीप मिश्रा सुने हा? हाँ पंडित ऑप्शन देते, सन्यासी कोई ऑप्शन नहीं दे, यही एकमात्र रास्ता है, कर अलाव कोई रास्ता है नहीं, तो मोरू का रास्ता है कर छोड़ भागा, अभी नहीं समझ ऐसे। अतका जान ले तीन कृषि जलवायु क्षेत्र है, अतका पता है, सबले बड़े मध्य है, सबसे अधिक वर्षा वाला दक्षिण। ठीक, माटी वाटी छोड़ और फसल लभगा, अभी आगे बढ़ाऊं तोला कृषि संगणना तब देखना है, आगे ना समझ। कृषि जलवायु क्षेत्र आपको बताया था मैं, यहां तक समझ आ गया है, पहला पॉइंट यही था कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कितने, तो तीन, नाम पता होना चाहिए आपको, उत्तरी पहाड़ी, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार, फिर बड़ा कौन सा है वो रेनफॉल एरिया पता होना चाहिए, सॉइल छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर रहा हूं, अगला पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर सेंसस, कृषि संगणना बोलते हैं, जनगणना बोल सकते हैं, जैसे मानव का जनगणना होता है वैसे कृषि संसाधन की भी, मतलब कृषकों की स्थिति के आकलन के लिए भारत सरकार कराती है जनगणना, ये भी कराती है भारत सरकार ही, जैसे सेंसस कौन कराती है, जनगणना मंत्रालय भारत सरकार है ना, एक तो अलग से मिनिस्ट्री है, जनगणना मंत्रालय का थोला भारत सरकार कराते हो, इसी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा होता है क्या, कृषि जनगणना या कृषि संगणना बोलते हैं,
इंग्लिश में बोले तो एग्रीकल्चर सेंसस। हमारे पास जो रिपोर्ट है सेंसस का वो है 15-16 का। वर्ष 2015-16 में कृषि की जो संगणना कराई गई थी उसका हमारे पास रिपोर्ट है। इसमें से कुछ चीज जानना है, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझिएगा आप। पढ़ना तो हमको ये है, लेकिन इससे पहले थोड़ा से ये टर्म्स समझना है, कुल बोया गया क्षेत्र क्या है। अब थोड़ा से आपको ध्यान होगा तो मैं बोला था कृषि वर्ष कहने का मतलब 1 जुलाई से 30 जून, यही जानते हैं। अब एक अवधि ले रहा हूं मैं, अवधि है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, ये एक टेन्योर है पूरा। आगे चल के मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ मुख्य रूप से खेती होता है खरीफ में और थोड़ी बहुत खेती होता है रबी में। हम दो ही फसल लेते हैं पूरे इस सीजन में, एक खरीफ और दूसरा रबी। मान लीजिए कोई जमीन है, जैसे ये कोई एक जमीन है 5 एकड़ है। अब मान लीजिए इसमें से खरीफ फसल लिया जब जाएगा तो ऑब्वियसली वो किसान खरीफ बोएगा ही, क्योंकि पानी का टेंशन नहीं है, देने वाला भगवान है, सोचना है नहीं, 3-5 नहीं करना है, भगवान पानी देगा, फसल ऑटोमेटिक होना है। अगर वहां पर सिंचाई की सुविधा होगी तो फिर वो उस खेती जमीन का फिर उपयोग करेगा। अगर पूरे टेन्योर में कोई जमीन जितने बार उपयोग होगा, मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2 बार उपयोग हो सकता है, 2 से 3 उपयोग नहीं हो सकता है, तो जितने बार उपयोग होगा उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया, कुल बोया गया क्षेत्र। समझ गए? अगर कोई कृषि भूमि पूरे सीजन में जितने बार, जैसे यहां पर मैं 2 बार बोला, मतलब ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होगा, 10 एकड़ होगा। दूसरा टर्म्स है नेट क्रॉप एरिया, बोलते हैं निरा बोया गया क्षेत्र। इसका मतलब होता है जब कोई कृषि भूमि पूरे एक सीजन में 1 बार उपयोग हो। लॉजिकली समझिए, रबी फसल के लिए हमारे पास पानी होना आवश्यक है। अगर रबी ले रहे हैं तो मिट्टी की प्रकृति ठीक है, काली मिट्टी है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पड़ता भी है। गेहूं चना बो देते हैं तो सिंचाई की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरा फसल लेना है तो, और हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है कि हम गेहूं चना बोएंगे। वो जो किसान थोड़ा सा भूमि का उपयोग करना जानते हैं, जिनको पता है कि राइजोबियम वाला कोई कहानी होता है साइंस में, तब वो बोता है। बाकी लोग को तो मतलब नहीं राइजोबियम से, उन लोग मार के खा देंगे राइजोबियम को ही, निपटा दिए पूरा, क्योंकि उनको मतलब है नहीं है सब चीज से, नाइट्रिफिकेशन होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए। तो जिनको पता है वो खेती करेगा ही। अब मुख्य रूप से हमारे यहाँ खेती कब होगा, खरीफ में, खरीफ में ही होना है। रबी में तो उन्हीं जगहों पर खेती होगा जहां पर क्या होगा, फैसिलिटी प्रोवाइड होगा इरिगेशन की। तो मान लीजिए इस पूरे टेन्योर में कोई जमीन जो है वो 1 बार उपयोग होता है, इसी को बोल रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास 5 एकड़ है और मैं पूरे साल में 1 बार उपयोग कर रहा हूं, तो उस जमीन को बोला जाएगा क्या, नीरा। मतलब सीजन में कोई जमीन केवल 1 बार उपयोग होता है तो नीरा है, और 1 से अधिक बार उपयोग होता है तो कुल है। समझ गए? समझना जरूरी है, आगे चल के बोलूंगा कुल और नीरा मूल मत फाड़ देवे, उसने सिंचाई कहानी बोलूंगा, कुल सिंचित क्षेत्र बोलूंगा, समझ जाना। एक टेन्योर में किसी जमीन में जितने बार सिंचाई होगा वो होगा कुल, और केवल 1 बार सिंचाई होगा वो होगा नीरा। ऐसी टर्म्स आने वाला है, मैं बोलूंगा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया और नेट इरिगेटेड एरिया। जैसे ये टर्म समझाए वैसी वही टर्म्स है। अब आ रहा हूं सेंसस पे, एग्रीकल्चर सेंसस। 15-16 में ये सेंसस हुआ, इससे एक पता चलेगा कृषक परिवार। कृषक परिवार से आशय है कोई एक पर्सनालिटी से गिना नहीं जा रहा है, जाना तो बस अगर किसान घर के हो बस था, बाबू का ऋण पुस्तिका हुई हे, और तुमन मंगल मंगल ले कला जान हूँ, ऋण पुस्तिका होते, मैं बता हमारे बाबू किसान है, ऋण पुस्तिका होते, और वो बाबू के नाम से हुई, तोर नाम से नहीं होगा। जे दिन बाबू कहीं मैं बंटवारा कर रहा हूँ तब तोर नाम में चढ़ी, नहीं तो नहीं चढ़ने वाले, नहीं बाबू को मरे के बाद चढ़ावे थे, लगा रे कर खेत ला हमारे नाम, नहीं तो ही नाम से झगड़ा होते भाई भाई की देखे थे। हाँ वही ऋण पुस्तिका की बात करता हूँ, पिताजी के नाम से है। और मान लो घर में पिताजी के अतिरिक्त माता जी भी है और 2 जनऊ लड़का है, और सबके सब खेती किसानी के कार्य करते, तो ओला गिनबे का एक कृषक परिवार। कृषक परिवार से आशा ये है, ऐसे किसान जिनके पास क्या है, भूमि का पत्र है।
ठीक उसको गिनते हैं एक, चाहे उस उसी पत्र में, मान लीजिए घर में 10 जन है और जमीन एक जन के नाम में, और दसों दसों खेती कर रहे थे, तो फिर एक परिवार गिनवे, 10 परिवार मत गिनवे। तो छत्तीसगढ़ में सेंसस 1516 के अकॉर्डिंग कृषक परिवार है 40.11 लाख। सेंसस आप पढ़ेंगे सर्वे तो ये मिलेगा 40.10 लाख। मैं उसमें जो आगे का आंकड़ा है उसको लेके 40.11 लाख बोल रहा हूँ। ये है कृषक परिवार सेंसस के अकॉर्डिंग। अब कुछ ना कुछ तो 15-16 में जमीन बोया गया रहा होगा ना, उस पूरे टेन्योर में, मतलब जब ये सर्वे आंकड़ा कलेक्ट किया गया होगा तो कलेक्ट किया होगा, अवधि है 1 जुलाई 15 से 30 जून, यही होगा। इस अवधि में आंकड़ा कलेक्ट किया गया होगा तो छत्तीसगढ़ में कुछ ना कुछ तो खेती हुआ ही रहा होगा। जैसे अभी आपको बताया कुल, तो कुल बोया गया क्षेत्र था 49.92 लाख हेक्टेयर। हेक्टेयर में सो होता है आंकड़ा, जब आप कृषि पढ़ते हैं तब 49.92 लाख। अब हर किसान के पास एकदम इक्वल जमीन तो नहीं होगा, नहीं ना, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन होता है, किसी के पास कम जमीन होता है, तो हर किसान के पास इक्वल जमीन नहीं है। अब इक्वल जमीन नहीं है तो इसी पर निकाला जाता है एवरेज, औसत। मतलब एक किसान के पास कितने, किसान बोल रहा हूँ तो किसान परिवार से आशा है, एक किसान के पास कितने उपलब्ध जमीन है। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 49.92 लाख हेक्टेयर को भाग देना पड़ेगा किससे, 40., हाँ, तो अब यूनिट में हेक्टेयर बस बचेगा, लाख को कैंसल, तो यहां से कैंसल करेंगे तो मिलेगा 1.24। ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ में औसत जोत का आकार है 1.24 हेक्टेयर, 1.24 हेक्टेयर ये औसत जोत की स्थिति है। आया समझ क्या बोल रहा हूं, मतलब औसत एक किसान के पास 1.2 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है, औसत कहा था, ऐसे मत मान ले सबो किसान के पास 1.2 हेक्टेयर है का एवरेज है, किसी के पास ज्यादा हेक्टेयर भी है, किसी के पास कम हेक्टेयर भी है। ठीक, इसी के आधार पर किसानों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब उपलब्ध जमीन के आधार पर किसान 5 टाइप के होते हैं। पहले तो नाम जानना है, मार्जिनल सीमांत कृषक बोलते हैं, दूसरा है लघु स्मॉल फार्मर है, तीसरा है अर्ध मध्यम, चौथा है मध्यम और पांचवा है वृहत। सीमांत कृषक कहने का मतलब है ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। अब 1 हेक्टेयर को डिकोड कर लेते हैं, हेक्टेयर इसका मतलब होता है 2.47 एकड़ अप्रोक्सीमेट, मोटा मोटा बोल सकते हैं 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ जमीन होता है कितने में, 1 हेक्टेयर में। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ऐसा किसान परिवार जिसके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है वो क्या है, सीमांत मार्जिनल फार्मर है। ऐसा किसान परिवार जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर है, मतलब 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के बीच जमीन है, उसको बोलते हैं लघु। ऐसा किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है, मतलब 5 से 10 एकड़ जमीन है, वो कहलाता है अर्ध मध्यम। फिर 4 से 10 है वो कहलाता है मध्यम, कहने का मतलब 10 से 25 एकड़ जमीन, और उसके बाद 25 एकड़ से अधिक जमीन है वो कहलाता है वृहत। ठीक, दोनों याद रखना है, ऐसे नहीं हेक्टेयर में याद रख लिए, एकड़ में दे मुहूल फाड़ दे, यहां हमला बताएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों याद होना चाहिए। लगभग 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होता है। तो ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है सीमांत है, ऐसा किसान परिवार जिसके पास 1 से 2 के बीच जमीन हेक्टेयर में तो वो लघु है, 2 से 4 है तो अर्ध मध्यम, 4 से 10 है तो मध्यम, और 10 से अधिक है तो वृहत। अब जो ये है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कैटेगरी होगी। अब हर किसान के पास तो समान जमीन नहीं होगा ना, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज्यादा होगा। तो इसी के आधार पर कहानी जो है वो ध्यान देना है। हमारे यहाँ सीमांत एवं लघु कृषक इसका बोल रहा हूं 60.69%,
छत्तीसगढ़ का लगभग 61% किसान परिवार किसमें आता है? सीमांत है, विडंबना है। आगे बताऊं कृषि समस्या तोला, छत्तीसगढ़ में कृषि से लगे लोग इसलिए उन्नत नहीं हो पा रहे क्योंकि उपलब्ध जमीन नहीं है ना। खेती केवल भरण पोषण के लिए रह गया है। अब जमीन रहेगा तभी ना ज्यादा उत्पादन होगा। अब जमीने नहीं है तो परिवार का गुजर बसर चल रहा है और थोड़ा बहुत इनकम हो जा रहा है, तो साल भर तो चलने वाला ही नहीं है वो पैसा। तो 60.69% हमारे यहाँ है क्या? सीमांत। 21.93 लगभग 22% किसान आते हैं कहाँ? लघु की श्रेणी में। और इन्हीं दोनों को एड करके याद रखना है, सीमांत एवं लघु कृषक 82.62। ये जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कितने किसान परिवार सीमांत श्रेणी में आते, सीमांत और लघु श्रेणी में आते हैं? तो 82.62%। आगे समाज जानना वही है, मतलब देख लीजिए पूरा 83% किसान के पास जमीनें नहीं है। 2.5 एकड़ ले कम जमीन है, 5 एकड़ ले कम जमीन है। अब जमीनें नहीं है तो फिर तो उन्नत होने का सवाल ही नहीं है। और उसके बाद कृषि में नाना प्रकार के समस्या है, जाना था त्या प्राकृतिक बहुत समस्या है, कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगा, नहीं तो सूखा की स्थिति पड़ जानी, ज्यादा आगे बाढ़ की स्थिति हो गई, पानी में सब वो बोहा के दूसरा खेत में जाके बोएते रहे हस। नहीं है खेत में देखे बसते नहीं, फिर तो मन तो पार हो। ऐसे भी जे चीज ला पढ़ा तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। परदेश में ही नौकरी करना है ना कि डिप्टी कलेक्टर बने के बाद कोई यूएसओ यूएसए जाने वाला है या यूके यूएई, हम वहीं का डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। कई जन एकदम टेंशन में रहते, ये सब ला हमन काबर पढ़ते हैं, तक काबर जिया थकते हैं, जिया थकते हैं पता नहीं, पढ़ा थकते कहां पता चल जाए। नहीं पढ़ इसलिए रहे क्योंकि इसी क्षेत्र में आपको प्रशासन करना है, कोई कर्मचारी नहीं बनने वाले हैं, आप ऑफिसर बनने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए अवेयरनेस होना जरूरी है, किस क्षेत्र में आपका क्या निर्णय होगा वो आपके नॉलेज से पता चलता है। कर्मचारी बनना कुछ नहीं, कंप्यूटर में बैठ के देखना, उसके लिए कोई पढ़ाई होता है? नहीं होता है, रटते हैं कूट बना बना। क्या आप तो कूट बनाना मत, एला डेवलप करना है, अधिकारी बनने वाले फील करा करो कि बनना है, नहीं फील करो करोगे नहीं आएगा ऐसा मोटिवेशन, पता चल रहा है फील ही नहीं हो रहा है। काबर पढ़ा था भैया, समझ नहीं आती, रटत संगवारी सन बैठ के, फील होना चाहिए वो। और जिसको फील होता है वो बहुत जल्दी सफल होता है, और जिसको फील ही नहीं हो रहा है कई जन टेंशन में पढ़ते, अतका पढ़थन कहीं नहीं हो, हमला समझ नहीं आते, पढ़ेंगे ढंग से, जे दिन पढ़ ले बिना पार लग गए बैतरनी से, भवसागर से, भवसागर मतलब यही सब दे, प्रीलिम्स दे पास हो, मेंस दे पास हो, इंटरव्यू फिर फेल हाँ फिर प्रीलिम्स दे, ये भवसागर हमारे दृष्टिकोण से। तो थोड़ा से पढ़ ऐसे जो मैं समझदारी है, रटना रुटाना नहीं है, एक एक टारगेट है, नोट से बना, यहाँ घर में जा रिकॉल कर, रिकॉल करना है वो जब बना था सना कागज पुर्जा, वो कोई काम के नहीं है, एग्जाम में नहीं निकली तो कर वैल्यू हैगा नहीं है ना। हाँ तो रिकॉल कर करके पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है तब याद हुई। तो छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार है कितने? 40.11 लाख। ठीक, उस समय 15-16 में जब ये सर्वे हुआ, मतलब जब ये कराया गया सेंसस, तो छत्तीसगढ़ में बोया गया क्षेत्रफल था कृषि का कुल वो था 49.92 लाख हेक्टेयर। एवरेज कैसे निकालना है तो उस हेक्टेयर भूमि को डिवाइड करना है परिवार से, तो मिल जाएगा 1.24। 1.24% हमारे यहाँ क्या है? औसत जोत का आकार, एवरेज होल्डिंग एरिया एक किसान परिवार के पास लगभग 1.24 हेक्टेयर जमीन। एक हेक्टेयर मतलब होता है लगभग 2.5 एकड़। इसी उपलब्ध जमीन के आधार पर किसान पांच टाइप के हैं। सीमांत कृषक किसको बोलते हैं? तो जिसके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है वो सीमांत है, एक से दो जमीन रखता है हेक्टेयर में वो लघु है, दो से चार रखता है वो अर्ध मध्यम है, 4 से 10 रखता है वो मध्यम, और 10 से अधिक है वो वृहत। फिर आपको 15-16 का आंकड़ा जानना है। छत्तीसगढ़ का सीमांत कृषक अगर देखा जाए तो इस कुल कृषक परिवार में 60.69% है लगभग, याद रखें 60% या 61%। फिर जो लघु कृषक है वो है 21.93, और दोनों को एक साथ याद रखेंगे, सर्वे पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा 82.62, लेकिन उसमें 82% लिखा हुआ है, वही है वो। ठीक,
ये है एग्रीकल्चर सेंसस। अब बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, कृषि सांख्यिकी। ईयर पढ़ रहे हैं आप कौन सा, 21। हाँ तो ये लिखा हुआ 21-22, मतलब डेढ़ ते पूरा लिख ले, मोट टाइप के मत लिख दे, मोला समझ आते मैं लिखे होते तोला समझ आना चाहिए ते लिखे हस्ते है। तो लिखना है का 1 जुलाई से, ताकि कल के डेट में कृषि वर्ष शुरू होता है, ऐसे पूछ दी से एकदम फुल टास वाला प्रश्न तहन कहा था या ये हमला पता चलिए, हम तो 21-22 वाला पढ़े रहे। हाँ वो मोर जानकारी पर ये ठीक है, तोर जानकारी पर ते लिख 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। हाँ तो इसी के अवधि का आंकड़ा हम देख रहे हैं। हमारे भारत देश में कृषि वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से, कृषि वर्ष की शुरुआत है, और कृषि वर्षांत होता है जुलाई से जून के बीच। क्या याद रखना है, तो याद रखना है वो है आपका बोया गया क्षेत्र। फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया, ये दोनों अंतर समझ गए। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो द्विफसली होंगे, द्विफसली मतलब ऐसा जमीन जो दूसरे बार भी उपयोग हो रहा होगा, है नहीं भाई। द्विफसली का मतलब है ऐसे मत समझ दो बार फसल लेवा थे का, समझ सकते हैं मोटा मोटा, लेकिन यहाँ पर द्विफसली से आशा ये है कि 2 से 3 बार भी हो सकता है अगर प्रकृति है तो, लेकिन है नहीं। तो ऐसा जमीन जो क्या हो रहा है दूसरे बार भी कृषि भूमि के रूप में उपयोग हो रहा है। अब हमारे यहाँ जो मुख्य खेती होता है वो होता है किसमें, खरीफ में। खरीफ में ही खेती होता है, मोटा मोटा आपके केवल जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। नीरा जो बोया गया क्षेत्र है यही एक्चुअल में खरीफ है, क्योंकि अधिकतर जमीन कब यूज होगा, जनरल नॉलेज के लिए, समझदारी के लिए केवल। हमारे यहाँ नीरा बोया गया कहने का मतलब अधिकतर जो कृषि भूमि है वो उपयोग होता है खरीफ सीजन में, तो वही है हमारा क्या, नीरा बोया, खरीफ का जो क्षेत्र है वही नीरा बोया गया है। और ये द्विफसली कहने का मतलब ऐसा जमीन जो दूसरी बार भी उपयोग हो रहा है, और दूसरी बार हम कब उपयोग करते हैं, मतलब ये ऐसा क्षेत्रफल है जो रबी में यूज हो रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कुल का मतलब क्या है, कोई ऐसा जमीन जो दोनों एक पूरे सीजन में, अब हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, 2 बार उपयोग हो सकता है, 3 भी हो सकता है वो अलग मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ 2 बार उपयोग होता है कोई कृषि भूमि, तो ऐसा जमीन जो 2 बार उपयोग हो रहा है इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा, आया समझ। मतलब ये जो है वो खरीफ और रबी का एरिया है, समझे। कुल बोया गया क्षेत्र कहने का मतलब होता है एक कृषि वर्ष में जितने बार भी उस कृषि भूमि का कृषि कार्य में उपयोग हो रहा होगा वो है कुल। तो मोटा मोटी याद रखना है 57.03 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ का क्या है, कुल बोया गया क्षेत्र है। फिर नीरा की बात किया जाए तो 46.30 लाख हेक्टेयर ये छत्तीसगढ़ का नीरा बोया गया क्षेत्र है। अब ये दोनों में घटा देवे तो मिल जाए तोला रबी के क्षेत्र 10.72 लाख हेक्टेयर अप्रोक्सीमेट। ये जो है द्विफसली, क्या 10., एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है, अभी आगे कहानी बताऊं तेकर बार याद रखना है। लगभग तो पता रहे 57 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ कुल बोया गया क्षेत्र है, 46 लाख हेक्टेयर नीरा है, और जो दूसरी बार उपयोग हो है में जमीन है, दोनों घटा देवे तो मिल जाएगा। अब 57 46 क्यों, 11 लाख याद रख ले लगभग, लगभग घटा के 57 और 46 ऐसे आए नहीं, लेकिन मैं बता दे मोटा मोटी ऐसे एकदम, तो रटना रुटाना नहीं है, कृषि सांख्यिकी है ये। अब कृषि सांख्यिकी का यूज आगे होने वाला है, मैं बोला था कृषि सांख्यिकी 30 जून का है, इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया गया है, जो कृषि सांख्यिकी का आंकड़ा है वो 30 जून तक 2022 तक है, तब तक प्रदेश में 28 जिला थे, 33-35 बना दिए थे, 28 है ना। हाँ तो पहले से चर्चा कर चुका हूं, जब कृषि सांख्यिकी आया कब 21-22 में, तो प्रदेश में जो 28 जिला थे उन जिलों का ये क्षेत्रफल है। पढ़ना जायज तो यही है जो आपको बताया गया है, जिलों का क्षेत्रफल। मैं बोला था सबसे बड़ा जिला आज के डेट में, क्योंकि राजनांदगांव टूटेगा मतलब ये चढ़ेगा, तो कोरबा बताया था याद होगा तो, और सबसे नीचे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब उस समय जिला बन रहा था तो न्यूज आ रहा था डीपीआरसीजी में,
उसका एरिया दे रहा था, डिटेल दे रहा था कितनी जनसंख्या होगी, कितना सेक्स रेशियो होगा, कितना उसका एरिया होगा हेक्टेयर में ना, जो भी यूनिट आपको दिख रहा है ये वर्ग किलोमीटर में, नहीं समझ लेना। बाप रे, 8,02,252 इतना, फिर 8 लाख मतलब समझ ले राजस्थान ले बड़े है, हेक्टेयर में यूनिट है, पता चले वो वर्ग किलोमीटर के समझ के 8,02,252 समझ लिए, हेक्टेयर में है जो भी यूनिट लिखा हुआ है, क्योंकि कृषि का आंकड़ा राजस्व का ही आंकड़ा है, तो इस आधार पर 28 जिलों में कहानी है, लेकिन जो आ रहा था न्यूज तो उसके आधार पर मैं 33 में तोड़ दिया हूँ, आप देख लेना क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से वो ज्यादा 99% पॉसिबिलिटी है क्या, क्योंकि आंकड़ा वही है कृषि सांख्यिकी में, ये मेरे द्वारा निकाला गया है, इसको नहीं पढ़ना है, केवल जबरन आधा जनला लगते ना, हाथ भूख में हाथ मनेन्द्रगढ़ दे दे, कुरबल बड़े जन बता दे, हे थमल गलत बता दे, ऐसे लग रहा है, ऐसे फील करता ते हा, तो वही फीलिंग ला शांत करे बर ये हरे कि हाँ ठीक पढ़ा है भैया, ठीक दे बुक में, मतलब मैच करा थे, 1 नंबर पढ़ा है यहाँ, आधा बुक के मैच करैया है, बुक में मैच करना चाहिए, अगर कंटेंट नहीं करी मतलब गलत ही। हाँ तो ये मैं निकाला हूँ, जो जिला बनने के दौरान जब आ रहा था न्यूज जिला का, तब वो हेक्टेयर को घटा के, क्योंकि किसी न किसी जिला से बना होगा, राजनांदगांव मोहला मानपुर खैरागढ़ में कटा, तो इसका एरिया पता चल गया, मूल एरिया राजनांदगांव का मेरे को पता था, दोनों जोड़ दिया, घटा दिया, राजनांदगांव के एरिया निकल गया। हाँ वही किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन ऐसा कोई कंटेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म में है नहीं फिलहाल, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है इसका पिछला स्लाइड, मतलब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कृषि सांख्यिकी 21-22 के अकॉर्डिंग कोरबा, सॉरी राजनांदगांव, ठीक, और सबसे नीचे है दुर्ग, वही दोनों एक ही डिवीजन में है, अलग अलग है। अब बात कर रहा हूँ ये, हाँ मेंस में नया हो जाएगा, नया कृषि सांख्यिकी आ जाएगी 22-23, जैसे बजट पेश होगा कृषि सांख्यिकी आ जाएगी, वेबसाइट में जाके डाउनलोड करना है, अभी डाउनलोड करवाऊ कि मैं अभी सिंचाई पढ़ा एक बार, अभी काम के नहीं है, अभी डाउनलोड करो ती बौखला, जब मैं काला करना पड़ना है, समझ ही नहीं आता हमला, सिंचाई के समय समझ आई, जब ये थोड़ा बैकग्राउंड में आ जाए कृषि है तब। कुल बोया गया क्षेत्र कितना बताया गया है, लगभग 57 ही बताओ, ये कुल बोया गया है, ये जो पढ़े हैं, नीरा बोया गया कितना है 46 दशमलव, और द्वि फसली है यही है। तो अब जिला का कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा ही, कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पर कुल मतलब एक पूरे सीजन में सबसे अधिक खेती किया गया होगा, छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया क्षेत्र के मामले में सबसे ऊपर है वो है राजनांदगांव, सब जगह आंखी मूंद के ठोक देना है, प्रश्न अगर पूछा छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया क्षेत्र या नीरा बोया गया क्षेत्र या द्वि फसली क्षेत्र कहाँ अधिक है, तो राजनांदगांव, राजनांदगांव टॉप में है, ये केवल ऑब्जेक्टिव भरे, मेंस भर नो हरे, मेंस में ऐसे वैसे ने प्रश्न नहीं आए, आ ही तो सीधा कृषि की समस्या या तो कृषि से संबंधित योजना या फसल संरचना, ठीक। तो राजनांदगांव में सबसे अधिक क्या है, बोया गया क्षेत्रफल 21-22 में, द्वि फसली क्षेत्रफल भी यही टॉप में है और नीरा भी यही टॉप में, लेकिन बॉटम में चलेंगे तो बस्तर का केवल बचना है थोड़ा, किससे बचना है, तो बचना है वहां कोंडा गांव से, बचना है वहां बस्तर से, बचना है वहां कांकेर से, ओकर बाद नीचे साखी मुंद के लगा देना है चार्टों में। लेकिन 21-22 के आंकड़ा की बात किया जाए तो कुल और नीरा में बॉटम में है नारायणपुर, और शुद्ध बोला जाए आपका द्वि फसली बोला जाए तो सबसे कम द्वि फसली क्षेत्र है बीजापुर में, ये जान लेना है। छत्तीसगढ़ में कुल नीरा और द्वि फसली, मैक्सिमम बोलेगा तो राजनांदगांव, मिनिमम बोलेगा तो बोया गया कुल में और नेट में दोनों में नारायणपुर है, और फिर द्वि फसली में बीजापुर है, थोड़ा याद रहे वो इसलिए बोल रहा हूं, कल के डेट में बोलूंगा कि फसल उत्पादन नारायणपुर में बहुत कम है, मूल मात फा देवे ऐसे कैसे, जब जमीन में खेती नहीं हो तो उत्पादन कहाँ लाजी, ऊपर तनिल बरस जी बीजा है इतनी ना संभव। हाँ तो फिर बोलूंगा वहां कृषि का जमीन ही कम है, तो कृषि जमीन है ही नहीं तो फिर उत्पादन प्रभावित होगा नहीं। हाँ तो आगे चल के जब समस्या बताऊंगा तो आंकड़ा यूज करना है, आया समझ क्या बोल रहा हूँ,
अब बात कर रहा हूं फसल संरचना पर, क्या होता है फसल संरचना। उद्देश्य के आधार पर इसको दो रूप में देख सकते हैं। एक तो है उपयोग के आधार पर, अब फसलों का हम अलग अलग रूप में उपयोग करते हैं, किसी को दाल के रूप में, तो किसी को अनाज के रूप में, तो किसी को तिलहन के रूप, ऐसे कुछ जानना तो बस नहीं, कोई ला व्यापार करे बस नहीं कि गन्ना ला अनाज के रूप में उपयोग कर कोई, हाँ सुबह शाम गन्ना चला चूका थी, संभव नहीं है ना। हाँ तो उसी उपयोग के आधार प्रायोजन, किस ऑब्जेक्ट से उस फसल को लिया जा रहा है, एक इसका वर्गीकरण है। और दूसरा वर्गीकरण है मौसम के आधार पर, जलवायु। अब मौसम मत कर दे भैया, दोनों में अंतर है। गाना सुने हैं मौसम के आधार पे बदल तो ना जाओगे। हाँ वही, अरे मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, मौसम बदलते रहता है। गाना में ये थोड़ी ना कि जलवायु की तरह बदल तो ना जाओगे, जलवायु स्टैटिक होता है, मौसम डायनेमिक होता है। मतलब जलवायु एक लंबे अवधि तक स्थिर रहेगा, लेकिन मौसम, हाँ तेकर जलवायु लिखी हूँ मैं, मौसम के आधार पर नहीं लिखी हूँ। ऐसे पता चले आज ठंडी लागी, काली गर्मी हो गई, नवा फसल बो दी का, ऐसे सोचल धर ले बेटे। जलवायु के आधार पर वर्गीकरण है। अगर देखा जाए इसमें से उपयोग के आधार पर तो दो टाइप से बांटना है। एक है फूड ग्रेन्स, खाद्य फसल, और दूसरा है नॉन फूड ग्रेन्स, अखाद्य फसल। खाद्य फसलें हैं, अखाद्य फसलें हैं। अगर खाद्य फसलों में बात किया जाए तो खाद्य फसल में दो आता है, एक है अनाज और दूसरा है दलहन। ये दोनों खाद्य श्रेणी में रखे हैं भारत, अनाज और दलहन। जबकि जो तिलहन है, तिलहन और व्यापारी क्या नगदी फसल सुने हो बसते हैं, नगदी फसल कमर्शियल क्रॉप्स, वो आता है किसमें, अखाद्य, कपास है, जूट है, गन्ना है, कोपरा है। कोपरा वो वाला कोपरा नहीं कहते, बर्तन वाला नारियल कोपरा मतलब, हाँ वो खाए बर्थ हुई ना बोथे, ऐसे मत कहो फिर फोड़थन तब तो खाथन का, सुबह शाम फोड़ के तो ना खाता नारियल। अखाद्य फसलें हैं कुछ, जिसमें तिलहन को रखा गया और नकदी फसलों को रखा गया, अनाज और दलहन। थोड़ा से ध्यान देंगे, ये आगे आएगा, मैं बोलूंगा खाद्य फसल की स्थिति, तो खाद्य में दोनों मिलेगा आपको, अनाज और दलहन। जलवायु के आधार पर, अब आप पढ़ चुके हैं फिजिकल जियोग्राफी, याद होगा तो क्लाइमेट ग्रीष्म ऋतु बताया था नहीं, अवधि 16 फरवरी से 15 जून। इसके बाद आता है क्या, ग्रीष्म के बाद वर्षा 16 जून से अक्टूबर, फिर उसके बाद शीत है, यही जानते होंगे, यही क्लाइमेट है। इसी के आधार पर फसल की कहानी है। वर्षा के समय भारत देश में जो फसल लिया जाता है वो है खरीफ, इस सीजन में फसल होता है खरीफ। और जब शीत होता है तब फसल लिया जाता है रबी, रबी की फसल है। ये दोनों याद रखना है। अब ए समय फसल लेते तेला कथे जायद, जायद के एक मतलब खीरा, कद्दू, ककड़ी, ऐसे कुछ सुने बार डिहाइड्रेट होल बचे बार, हाँ वो जतका कन खाता थे सैलेड वैलेड के रूप में, हाँ वो सब आते काम है। कलिंदर सुने हैं, हाँ ये सब मन का हरी जायद। हमारे यहाँ संभव नहीं है ना, नदी किनारे होते मरार, हमारे यहाँ एक जाति होते पटेल लिखे मन, हाँ ओ मन बोथे नदी किनारे, ओकर जमीन नहीं है, नदी कब्जा मार के नहीं बोहे, परंपरागत रूप से वही आसपास बोते, बारी बारी मत बोते, पता चले खीरा बोदे, खीरा हमन बोथन कब,
खरीफ में बारी में खीरा कब निकलते, गणेश भगवान माढ़े रहते तब प्रसाद खाए हो बस ना। हाँ तो बारी खीरा है खरीफ हरी पता चले। हाँ, ये ती जोड़ दे सा आके गति जायत तनी पानी हनी मुड़ी में बोर्डर बे नहीं गा गर्मी के दिने मतलब पानी की समस्या है। हाँ तो दो मुख्य फसल है, वर्षा जैसे ही आगमन होता है हमारे यहाँ खेती होता है किसकी, खरीफ की। इसको जैसे ही काटेंगे उतेरा उतेरा देंगे, रबी उतेरते देख बे लाकड़ी उतेर देते, मतलब धान है जैसे कटने वाला रहते जमीन है थोड़ा गीला होते लाकड़ी छीत के आ जाते, नहीं फिर अरसिल छीत के आ जाते सरसुल छीत के आ जाते, और जब काटे तब तक अंकुरित तो पौधा बन के निकल जाते। मन बोला कहते उतेरा छत्तीसगढ़ ही टर्म्स है, अब उतेरा संबंधित है रबी सीजन से। आ वैसे मत कर बे खरीफ में उतेर के आ गया पागलपन टाइप के, पानी गिरी हो समय तो रुतेरा सबो निकल जी दूसरा खेत में, और पता चले सरसों बो हंसते जागे ओकर खेत में पानी गिरी तक आप बाँच ही हो। हा रबी में पानी गिरना नहीं है तो उतेरा ऊंचे जागी दी है वो बेते हा। हाँ तो उतेरा का संबंध रबी फसल से है, रबी वो छत्तीसगढ़ी में कथे और आथे तो पढ़वे थे उती जाके पता चले उतेरा किसे का उतेरा ने उतेरन हम। जलवायु के आधार पर कहानी है ये जानना है आपको। अब इसी पर मैं बात कर रहा हूं अनाज, छत्तीसगढ़ में अनाज फसल अगर आप देखें तो नाम कुछ कुछ सुने होंगे, छत्तीसगढ़ की बात करो ऐसे तो भारतवर्ष में सुने ही होंगे आप। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए अगर तो अनाज फसल में एक प्रमुख है का, ये कण कण में रहना चाहिए तो पता चले अनाज फसल कहाँ थी का। हरे अनाज हमला समझ ही नहीं आया, धान छत्तीसगढ़ के कण कण में है, तोरो कण कण में आज से व्याप्त तो हो जाना चाहिए। मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खेती किस अनाज फसल की तो एकदम प्रखर मुख से बोलना है, मुक्त कंठ से धान है, पता चले सोचेल बैठ गए ताप में यही होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ किसान इसी में झपाएंगे, परंपरा रही है। खरीफ में वो ही रबी दी तब बोल चल ना धान ला बो देथन, धान ने चला बोवा थे ऐसे नहीं कही कि चल लाखड़ी वाखड़ी बो देथन चना वना, काबरे में रखवारी बहुत जरूरी है, नहीं थोड़े इंसाने चढ़ दी पूरा भाजी ला, गाय गरु तो छोड़ो इंसाने जा जा चढ़ दी बिहनिया बिहनिया के महतारी मन है, और एक कन बाज गए कर मन के चरेल तो तेज आग चढ़ देवे कोई न कोई चरी दी, उमें बहुत तकलीफ है उतकर बोए सु मेहनत से चर दे तो आइस उत्पादन करे सब काहे च नहीं मिली तो कोई काम किएगा, तो परंपरा रहे बहुत सारे कारण है कर कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से धान होते। एक तो मिट्टी की प्रकृति है, दूसरा यहाँ के जियोग्राफिकल सिचुएशन है। तो धान एक प्रमुख अनाज है, धान के बाद हमारे यहाँ प्रमुख अनाज के रूप में है मक्का, फिर है गेहूं, फिर कोदो, कुटकी, रागी, सावा। हाँ ते सावल निकाल के फेंक देता सो ती बस्तर वाला मनोल बोथे देखबे तुएल जाते नींदेल जाते सावा होगी हमार खेत में की के। हाँ हाँ मनोल निकाल के बने की के फेंक देता ओती बोथे इसने मत कभी कहा। अरे हमन मत धान वाला हरन मैदान के बात कर, हमन का तो मतलब मैदान वाला बात करा तो मैं हमन सांवला तू के फेंक देता मतलब निकाल के कि बन हरे खरपतवार की, लेकिन बस्तर क्षेत्र में वही सांवा खेती होती होकर बोथियो मन है सांवा है। फिर इसी में याद रख लेंगे नीचे आप लिख लेंगे सांवा कैसे बताऊं मैं, सर्च मार के देख धान के बीच बीच में ही आते जैसे कोदो देखे हो बस ना वैसे नहीं रहते। हाँ कोदो टाइप के ही रही लेकिन कोदो टाइप के गोल नहीं समझ लेना है, थोड़ा से जैसे धान होते वही प्रकृति में होते, धान की ही प्रकृति के आसपास दिखी तोला ठीक। नेक्स्ट ज्वार की खेती होता है, जौ की खेती होता है, ये सब है अनाज मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में खेती होता है उसकी बात कर रहा हूँ। मिलेट्स मिशन चल रहा है, हाँ इसीलिए मैं सावा रागी मक्का का उल्लेख किया हूँ क्योंकि ये सब है मिलेट मोटा अनाज। एक जानना है, अगला जानना है दलहन, ए सीला नोहर है सीला तो धाने रहते हो हा, सीला हा तो धाने हरे सगा
सीला भी ने नहीं गेस्ते हा दोरो मारे सामाल तो ही ना बीन बे ये सब आपके दलहन फसल है, मसूर मटर ऐसे कुछ कुछ सुने होंगे आप। दलहन फसल की श्रेणी में आता है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन फसल है चना। सावा तलोक अन्न हरे अनाज खाते जी बोला सावा अनाज कहा था मैं कैसे बताऊं, खोज के देखू तुम्हारा। हाँ सेम दिखते हैं, हाँ वही मतलब हमारे यहाँ किया जाता है, वो खरपतवार के रूप में उसको निकाल के फेंकते हैं, नहीं तो फिर धान को पोषण नहीं मिल पाएगा। अब मेन उधर खेती होता है बस्तर क्षेत्र में। ये है आपके दलहन, सबसे प्रमुख दलहन फसल है चना, फिर उसके बाद है लाकड़ी, उड़द है, अरहर है, ऐसा मूंग मिलेगा, मसूर मिलेगा, मटर मिलेगा, ये सब दलहन है। तिलहन की बात किया जाए अगर तो तिलहन में हमारे यहाँ एक तो खेती मूंगफली के रूप में होता है, खेती होता है सोयाबीन की, कहीं नहीं जाना तो बत सरसों सुने चुबत, अलसी, तिली आते खावे अभी मकर संक्रांति, राम तिल, बस्तर तनी होती है हुआ अरसी थोड़े बड़े बड़े दिखते, राम तिल का थोड़ा तेल ही तिलहन ही निकलते पेरे बादों। ये सब छत्तीसगढ़ के सूरजमुखी वगैरह थोड़ा बहुत कहूं कहूं हो जाते, सब छत्तीसगढ़ के तिलहन। नगदी, मैं छत्तीसगढ़ में नगदी की बात कर रहा था, नगदी फसल के रूप में कपास की खेती, गन्ना की खेती छत्तीसगढ़ में ना, ऐसे में आते जूट आते कोपरा आते, लेकिन छत्तीसगढ़ में जूट कोपरा खेती नहीं है, कपास और गन्ना मुख्य रूप से नगदी फसल के रूप में आपको दिख जाएगा। अब इसी में से ही कोई फसल ऐसा होगा जो खरीफ में बोया जाता होगा, कोई यही होगा ना कि कोई दूसरा हो सकता है इससे बाहर, इन्हीं लोग होंगे, तो इन्हीं लोग में से कहानी है अनाज कौन कौन सा क्या है खरीफ है, कौन कौन सा दलहन खरीफ है और कौन कौन सा तिलहन खरीफ है, वैसी बांट लेना है उसको रबी के लिए। रबी के लिए फिर से वही तीन पॉइंट, कौन सा अनाज रबी में आता है, कौन सा दलहन रबी में आता है और कौन सा तिलहन। वो गलती से होती प्रश्न मिल जाए तोला, फलाना रबी फसल है कि खरीफ फसल, ऐसा किसी फसल को लेके गलती से एकदम फुल टास वाला प्रश्न बैटिंग गई सब मार देते, पता है ता पता चले खरीफे रबी समझ नहीं आता, आधा जान ला का होता है भगवान का का हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है ऐसे लग रहा होगा नहीं। अब जानना इसमें से कौन सा खरीफ और कौन सा, पहले अनाज के बारे में बात कर रहा हूँ, अनाज सर्कल कर रहा हूँ वो रबी है और बाकी छोड़ रहा हूँ वो सब खरीफ। अनाज में गेहूं है एक, बोया जाता है जो रबी के सीजन में, रबी बोल रहा हूँ जो सर्कल कर रहा हूँ वो रबी है, और जौ है ये बोया जाता है रबी के सीजन, बाकी जितना दिख रहा है सब के सब क्या है, हाँ सब लटाप दे आपका में खरीफ में, जतका है सब खरीफ है, धान भी छत्तीसगढ़ के खरीफ फसल है, मक्का भी बियारा बियारा में देखे बस जोंधरा कथन चोराए हो बसते है, नहीं चोराहा तो जीवन न रखे तो भुट्टा उट्टा नहीं चोराहा तो का काम किएगा, शहर वाला मन ले खाते मन चोरा खाथन, अलग मजा है दोनों के। तो गेहूं और जौ ये दोनों के दोनों है रबी, बाकी सब के सब खरीफ, पहली ही पता होना चाहिए, फिर आगे चल के मैं बात करूंगा एमएसपी पर, अब पता चले यही समझ नहीं आया तहन कभी ए का एमएसपी है, खरीफ तलुक का था रबी तलुक का था समझ ही नहीं है, पहली फसल समझ तब फिर एमएसपी समझ पे ठीक। दूसरा सर्कल कर रहा हूँ वो रबी है बोला हूँ, तो सर्कल कर रहा हूँ वो रबी है, इसमें से अभी भाजी खाओ बस ना, चना भाजी तिवरा भाजी कि कोई बरसात में खाए, वो समय हो भी नहीं करे तो कहाँ खावे थे,
अभी देखबे कुछ दिन बाद चना आए के शुरू हो जाए आ भी गए मतलब, लेकिन वो अच्छा से जो देसी चना ही वो चना बूट का हाथ हो, चना तो जीवन भर मिली, चना बूट के बात होते हो रहा था लोग खावे, लाकड़ी हो रहा चना हो रहा। हाँ तो चना तीवरा ये क्या है, रबी है। फिर मसूर रबी है, उधर मटर लिखा हूं वो भी रबी है। मटर मसूर चना तीवरा ये सब बोया जाता है कब, रबी सीजन में, बाकी सब के सब खरीफ का है, चाहे उड़द हो चाहे अरहर हो चाहे कुलथी हो चाहे मूंग हो, वो सब के सब बोते हैं कब, खरीफ में। ऐसा मत रबी पर ध्यान देना है, खरीफ तो बहुत सारा है, रबी फसल थोड़ा समझ आ जाएगा काम बन जाएगा। अब उसी पिछले ध्यान देना है क्योंकि उस पर कोई एमएसपी में खरीदी नहीं होता है छत्तीसगढ़ में कोई भी फसल, एकर से ध्यान देना है, जबरन नॉलेज है हर कुल मिला के। तिलहन की बात किया जाए अगर, तो तिलहन में ये जो है आपका सरसों और अलसी ये जो है वो रबी है, बाकी सब के सब चाहे सूरजमुखी भी ले सकते हैं आप, सूरजमुखी तिल राम तिल मूंगफली सोयाबीन सब के सब आता है खरीफ में। और केवल दो ठनेक ध्यान देना है, सरसों और अलसी, ये समय फूल दिखते का सरसों प्योरा प्योरा, दूसरा समय देखते खरीफ खरीफ में सरसों बोहा जी वो नहीं बाजी। हाँ तो ये पहली क्लासिफाइड कर लें आप इसमें कि कौन सा खरीफ अनाज है, ये लिख लें आप, दलहन में कौन सा खरीफ है, तिलहन में कौन सा खरीफ है, फिर रबी, रबी में अनाज में बताया हूं क्या, गेहूं और जौ, ये थोड़ा सरल है तेकर से लिख दे तो टाइम नहीं लागे, इमें गाढ़ा कन है और लिखा तरह तोर काम है। दलहन में कौन कौन सा है, तो चना तिवरा मसूर मटर ये बोया जाता है रबी सीजन में, और तिलहन में कौन कौन सा है, तो सरसों और अलसी, ये छत्तीसगढ़ के सीजन के अकॉर्डिंग वर्गीकरण है। पहले तो यही समझना है और उसके बाद आगे समझना है, फिर आगे समझ। अब बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ में फसलों का क्षेत्र और उसका उत्पादन, अब एकरो खेती हो ही नहीं काकरों काकरों पूरा सीजन में, अब ये खरीफ में बोए जाते तो खरीफ सॉरी रबी में बोए जाते तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल हो, ये जब खरीफ में बोया जा रहा है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, सबका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, उसका सीक्वेंस थोड़ा ध्यान देना, यहां से प्रश्न मिल जाएगा आपको। सीक्वेंस है क्षेत्रफल फसलों का और उसका प्रोडक्शन, फिर से वही बात, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तीन चीज है, अनाज दलहन और तिलहन। एक अनाज से संबंधित है वो है क्षेत्रफल, एरिया पर बात किया गया है, कुछ ना कुछ अनाज का क्षेत्रफल होगा, उसमें धान का क्षेत्रफल होगा। फिर दूसरा जो है वो प्रोडक्शन पर बात किया गया है, मतलब छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख अनाज फसल जो उत्पादन होता है, और लास्ट में बात करूंगा अगला, इसके बाद जो बात करूंगा वो है खाद्यान्न। खाद्यान्न के मतलब समझ गए नहीं समझे, अनाज और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, पता चले अनाज पूछे खाद्यान्न ठोक के आगे, दलहन का हाथ खाद्यान्न नहीं नजर आता, आधा जन तो खाद्यान्न के मतलब तेल लतलुक मिला दे, तिलहन खाद्यान्न है खाता सोला, जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना ही तेल लिया जाता है, कि कोई पिया देखे ढोरिया टाइप के तेल धर के दे ला, अब आज भात नहीं खाओ तेल पी दे थो, नहीं है ना, एकर से तीन खाद्यान्न में नहीं रखे। खाद्यान्न कहने का मतलब ऐसा चीज जो खाने में उपयोगी, जो पोषण वोषण दे, बोल सुने तेल पोषण वोषण दे थे भयंकर मिनरल से फाइबर है में, तेकर से ढोड़िया टाइप के तेल पिया थे, नहीं है। हाँ तो खाद्यान्न का मतलब दिमाग में रख ले, क्योंकि अगला फेस है इसी से संबंधित, खाद्यान्न का भी कुछ ना कुछ होगा क्षेत्रफल और फिर इसका उत्पादन, और इसी से जोड़ूंगा फिर कृषि की उपलब्धि, कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को 5 बार जो मिला है, एक बार खाद्यान्न ही बोलूंगा तो मूल मत फाड़ देवे, खाद्यान्न कहा रेखी के, खाद्यान्न मतलब अनाज और दलहन, अनाज और दलहन है खाद्यान्न कहने का मतलब, एरिया आप सर्वे से देख लेना, ऐसे उतना जरूरी नहीं है, ये सीक्वेंस है। अगर बात किया जाए अनाज में क्षेत्रफल,
नो डाउट आंखी मूंद के लगा देना है कि हो सबसे अधिक क्षेत्रफल में, क्योंकि इसकी खेती केवल खरीफ में नहीं होती है, मैं तो पहली बताऊं मैदान में रथों में, मैदान की बात जानता हूँ भैया, बस्तर तो नहीं बेचारा मन के, एक तो खरीफ ठीक खरीफ में ठीक से बो नहीं सके, रबिक तो ठिकाना है का पानी रही तब ना वही वहां माटी छऊ से नहीं पढ़े लाल दो मटऊ लाल रेतीली रेतीली है मतलब समझ गया, अफवाह बहुत अच्छा हो तो पानी सट ले निकल के रुक भी नहीं करी तो कामे फसल ले डर भी संभव है नहीं है। मैदान में अधिकतर जो है जो किसान है वो रबी में भी दानी बो देते हैं, देख बे बोर वाला मन तो बोते मोस्टली तो दिख जेकर जेकर करता है ट्यूबवेल है वो पूरा घेरा वेरा मार के धान वान बोत रहते सेकंड में भी फर्स्ट में तो ही काबर फोकट के पानी हमार कल्चर है फोकट ले पा मरत लेखा देखा जाएगा जो भी ऊपर वाले के हिसाब से करेंगे, लेकिन कल्चर रहे तो खरीफ में खेती होना चाहिए। सबसे अधिक खेती हुआ है धान का, फिर गेहूं सेकंड नंबर पर है, मक्का है, कोदो कुटकी अलग अलग फसल होता है लेकिन गवर्नमेंट इसको एक साथ शो करती है, चौथे नंबर पर है, पांचवे नंबर पर है ज्वार और छठे नंबर पर है जौ, ये क्रम है। थोड़ा से पता हो आपको प्रश्न पूछ सकता है, पीएससी में प्रश्न आ चुका है, प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो खाद्यान्न फसल है या कोई फसल को लेके, खाद्यान्न पर आगे बात करूंगा, अनाज को लेके उनके क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम में जमाइए, या तो बोल सकता है असेंडिंग ऑर्डर या बोल सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको अरेंज करिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो सबसे अधिक धान है, फिर गेहूं है, फिर मक्का है, फिर कोदो कुटकी है, फिर ज्वार है, फिर जौ, लेकिन प्रोडक्शन में अंतर है। प्रोडक्शन मतलब उस पूरे एक साल में कितना उत्पादन किया गया होगा, अब आप खुद ही जानते हैं मैं बोला हूं मक्का ऐसा नहीं है कि केवल खरीफ में बोते हैं, मक्का को रबी में भी दोनों सीजन में बोया जाता है, जिन क्षेत्रों में उपलब्धता है पानी की उन क्षेत्रों में फिर बो देते हैं मक्का, खास करके सरगुजा क्षेत्र में, और गेहूं केवल एक ही सीजन में बोता है, इसे मत कहो गेहूं तो लोग खरीफ में बो देंगे क्या निकल लेगा गेहूं दूसरा खेत में, गेहूं एक ही सीजन में बोया जाता है वो है रबी, इसीलिए अब चढ़ा देना उत्पादन में किसको, मक्का सेकंड नंबर पे आएगा, पहले में तो धान रहेगा कोई एकर तोड़ नहीं है ना बने, तबर सरकारें खुद प्रोवाइड करत तक कहां तोड़ बनने वाला है, और जो और खेती होता है गेहूं है उसको खरीदता ही नहीं है एमएसपी पे सरकार के किसान उससे क्या हो प्रोत्साहित हो। सबसे अधिक उत्पादन हुआ है धान का, बस इंटरचेंज करना है मक्का यहाँ तीसरा था यहाँ दूसरा, और गेहूं को उतार देना है नीचे, वो दूसरा था वो तीसरा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये मतलब फिर इंटरचेंज कर देना है, कोदो कुटकी अपन जगह में है धान अपन जगह में, और जो बीच में दिखा ना दूधी ठनते मल्ला डायगोनल के साइन बना के त्योती चढ़ा देना है, मक्का तीसरा में हो दूसरा में जाही, गेहूं दूसरा में वो तीसरा में, जो जौ आखिरी में दिख रहा है छठवा में उसको पांचवा में ले जाना है, और जो ज्वार पांचवा में उसको क्रम थोड़ा इसने जोड़ जाड़ के याद रख रहे कभू कभार आ जाते, अब ऐसे प्रश्न आ ही तो फिर मिली तो खाद्यान्न से संबंधित, लेकिन मान लो अनाज से आगे अरेंज करी उत्पादन के आधार पर बढ़ते से घटते तब के लिए ठीक। दलहन में कोई तामझाम नहीं है, जे क्षेत्र है वही उत्पादन है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया गया है क्या चना, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया गया दलहन फसल है चना, चना के बाद है लाखड़ी तीव्रा कथन हमन है लाखड़ी, ओकर बाद है उड़द, उड़द के बाद है अरहर, अरहर के बाद है कुल्थी बस्तर तनी होते, और ओकर बाद मूंग, ये तो जानते छो बस मूंग दाल खाए हो बस, उड़द दाल नहीं खाते ना, दोनों में अंतर समझते नहीं मूंग उड़द में, हाँ दोनों अलग अलग है भैया, यही आंखी मूंद के ठोक देना है उत्पादन तनी सेम सीक्वेंस कोई अंतर नहीं, टॉप में चना चाहे क्षेत्र की बात करें चाहे उत्पादन की बात करें, तीव्रा सेकंड नंबर पर है, तीव्रा के बाद उड़द है, उड़द के बाद अरहर है, अरहर के बाद मूंग कुल्थी है, कुल्थी के बाद ठीक। चेंज जो है और ड्रास्टिक चेंज जो है वो तिलहन में है, थोड़ा से याद रखना पड़ेगा इसको, बाकी इसमें तो ठीक है, कम से कम चार ठन याद होना चाहिए, सब याद करने की जरूरत नहीं, चार ठो ऊपर के धान क्षेत्रफल में बात कर रहा हूँ, गेहूं मक्का कोदो कुटकी, धान उत्पादन में मक्का गेहूं कोदो कुटकी, ऐसा चार चार दोनों साइड से तीनों साइड से ध्यान देंगे। सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया गया सरसों, राई सरसों बोलते हैं, राई मतलब छोटे छोटे दाना वाला, जेल हमन फोरन डारे में उपयोग करते हैं, अब खरीदे नहीं तो फोरन एम खात हो बसते हैं,
खपायल तो लागी होला, खरीदती सब इतने जाक मंडी में खरीदते नहीं है ला। तिलहन फसल हमारे यहाँ कोई खरीदी नहीं हो ना, तो लाके चल के बता दो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया गया है क्या, सोयाबीन। तीसरे नंबर पर है वो है आपका रामतिल, चौथे नंबर पर मूंगफली, पांचवे नंबर पर तिल और छठवे नंबर पर अलसी। छह प्रमुख क्षेत्रफल है तिलहन का, सबसे अधिक क्षेत्रफल में है राई सरसों, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे है, यहां तक किसी कोई समस्या है ऑनलाइन जो जुड़े हैं? दूसरे नंबर पर है सोयाबीन, तीसरे नंबर पर है रामतिल और चौथे नंबर पर है मूंगफली, लेकिन टॉप में ले जाना है किसको, मूंगफली को, फिर सोयाबीन। जो सोयाबीन तीसरे में पढ़े हैं, सॉरी दूसरे में पढ़े हैं, वो अपना पोजीशन लिया हुआ है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो चौथा में पढ़े हैं मूंगफली वो टॉप में है, जो सरसों पहला में है वो तीसरा में है, अभी जो तिली पांचवा में है वो चौथा में है। कम से कम थोड़ा सा एरिया पता रहे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में खेती हुआ है सरसों का, सोयाबीन में कोई अंतर नहीं है, क्षेत्रफल में भी वही है, उत्पादन में भी वही है, लेकिन उसके बाद है रामतिल और रामतिल के बाद है मूंगफली। यही मूंगफली जो चौथा हम कंप्लीट करेंगे उसको टॉप में ले जाना है, मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन हुआ है छत्तीसगढ़ में, फिर सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, फिर सरसों का है, फिर तिल का है, ठीक। ये थोड़ा से ध्यान में रखेंगे आप। अब इसी पर मैं बात करूं आगे खाद्यान्न को लेकर। नो डाउट खाद्यान्न में अगर क्षेत्रफल में बोलेगा तो और उत्पादन में बोलेगा तो वही ना, आंखी मुंद के ठोक देवे। छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, चाहे उत्पादन में हो चाहे क्षेत्रफल में हो, धाने होगा, लेकिन अब सीक्वेंस बदल जाएगा, एरिया में अलग प्रोडक्शन में अलग। अगर एरिया में बोला जाएगा तो धान के बाद दूसरा अधिक खेती हुआ है, मैं जो बात कर रहा हूं ईयर है अनंत काल तक नहीं पढ़ना है, आर्थिक भूगोल के हो एला, आर्थिक भूगोल मतलब पूरा बदले का आंकड़ा हरे, एकर वैलिडिटी केवल प्रीलिम्स तक है, जैसे प्रीलिम्स हो इस कहानी खत्म, समझ ले बे, ये अब मिटाक बारी आगे है, पेंसिल में लिख ले रहा है, 50 बार नोट्स तो नहीं बने, संभव नहीं है ना, बन गए पढ़ाई के दौरान बन गए तो बन गए, ओकर बाद कभू नहीं बने, काकरो हो, मैं अपने बात ले उदाहरण देता हूँ, मैं कभू नहीं बने ओकर बाद अपन हिसाब से बनावे जैसे भी बनावे, लेकिन जो पढ़ाई के दौरान जो क्लास के हिसाब से बनते हुए के बार बनते, तो ये प्रीलिम्स के बाद चेंज हो जाएगी, ठीक। खाद्यान्न में अगर बोला जाए आंकड़ा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ आर्थिक भूगोल, इसीलिए बोला पूरे पांचों के पांचों चैप्टर के जो आंकड़ा आपको बताऊंगा सब चेंज हो जाएगा प्रीलिम्स के बाद, अनंत काल तक नहीं पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त तो जो फॉरेस्ट पढ़ाया हूँ उसका ISFR चेंज हो जाएगा, प्रीलिम्स के पहले ही आ जाएगा नया रिपोर्ट या प्रीलिम्स के बाद आएगा, 23 के नाम से ISFR आ जाएगा, जो फॉरेस्ट पढ़े हैं वो, वर्षा की स्थिति आपको नया मिल जाएगा जिलों का क्रम वेबसाइट में, सेंसस तो लागे फुर्सत है अभी, शिक्षा बदलते रहता है, वो थोड़ा से वेबसाइट में जाके देखना higereducation.cg.nic.in, वहां से आपको मिल जाएगा शिक्षा के लिए एनुअल रिपोर्ट, और उसी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ के कुछ नहीं टेंशन लागे, कुछ नहीं यूट्यूब चैनल में जुड़े रहे, वीडियो तो मिल जाए अपडेट हो, वो तोर हित पर बनाए जाते, यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ाना है कि नहीं बना थो, मैं कवर में जाना थो, बहुत अकन बैच पढ़ा रहा हूँ, काला पढ़ना है सर, ये में थमला समझ ही नहीं आए, आधा PDF डाउनलोड किए रहते, समझ ही नहीं आता क्या पढ़ना है, तो उनको बताने के लिए ही मैं वीडियो लाता हूँ, चल भैया ते कम से कम अपडेट कर ले बोला, तो अपडेट होगा, ये जानना है खाद्यान्न में क्रम, पहला दूसरा तीसरा है तीवरा और चौथा है गेहूं, पहला और चौथा में कोई चेंज नहीं है, पहला और चौथा में कोई चेंज नहीं है, धान टॉप में है, चौथा में गेहूं है, यहां चना बताओ, चना जो है वो तीसरे में है, अब एक मिसिंग है, देखो उत्पादन में मक्का सेकंड में आया हुआ है, बताओ ना मक्का, हाँ उत्पादन में खाद्यान्न उत्पादन में धान टॉप में है, मक्का सेकंड में है, चना थर्ड में है, और इसमें कोई चेंज नहीं है,
ये दोनों एरिया में चौथे नंबर पर है। उत्पादन में एरिया में धान में कोई चेंज नहीं, बदलना है जो। अगर अब प्रश्न मिल जाएगा आपको कि धान के बाद किस खाद्यान्न फसल का क्षेत्रफल अधिक है, चना का, धान के बाद किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन अधिक है, थोड़ा ध्यान देंगे प्रश्न अगर मिले तो थोड़ों में दोनों में अंतर आप कर लेंगे। खाद्यान्न का मतलब होता है अनाज और उसी का मिक्स रूप है। तिलहन लमत लिख देवे पता चले तेल कहाँ है, मैं देखो ठंडी दिखा दे। सरसों वर्षो तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक बताते हैं, मूंगफली तो उत्पादन में टॉप में दिखा दी से, समझ गए ना खाद्यान्न के मतलब। हाँ अब इसी पर अगली क्लास में बात करूंगा, वो है जिला। कुछ कुछ का याद रखना, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे रागी कल्चर में पढ़वे मड़िया या मड़ुआ का थे आदिवासी मनेला, रागी अब एक से मड़िया पेच भी फिर बस्तर के मना। हाँ वही हरे रागी है, बोती हुई मोटा अनाज हरे आते है आजकल खावा था स्काय कर कुकीज वुकीज कुछ भी बना था ना पोहा वोहा, हाँ वही रागी है। जिल मिलेट्स मिशन के रूप में जो हार वहार छत्तीसगढ़ सुने हो बस, नहीं कुछ नहीं गढ़ कलेवा सुने हो बस, वहां मिलेट्स की मिलते प्रोडक्ट। हाँ तो वह रागी जानना है, ये जरूरी है। जरूरी है यहाँ से कोदो और धान और मक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर किसी जिला के अकॉर्डिंग, तो अनाज से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, अनाज से है। और क्यों धान इसलिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि धान का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, धान का सबसे अधिक उत्पादन है और मध्य छत्तीसगढ़ में ही सबसे अधिक इसका उत्पादन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती दो सीजन में कर लेते हैं हम लोग मध्य वाले लोग। पानी मिल गया तो रबी भी ले ना हमारे काजात की के नहर पानी में बो दिए हैं, चल ठीक है वो आ जाएगा। हाँ तो जिला अगली क्लास में बताऊंगा इस पर, एक जानना है। दलहन में ऐसे तो प्रश्न नहीं है, लाखड़ी को जान लीजिए और चना को जान लीजिए, इससे प्रश्न अब तक तो नहीं है। और तिलहन में जो जानना है वो है मूंगफली, बताया गया है आपको। सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन किसका, मूंगफली का, फिर सोयाबीन, फिर राई सरसों, फिर तिल, ऐसा कुछ बताया हूँ। क्षेत्रफल बताया गया है सबसे अधिक सरसों का, फिर सोयाबीन अपना पोजीशन ली हुआ है, फिर राम तिल, फिर मूंगफली, ऐसे कुछ बताओ। थोड़ा से याद होना चाहिए, जाके घर में रिकॉल कर ले बे, कोई बड़े चीज नो हरे, क्लासिफाइड होना चाहिए दिमाग में। मोर कहे का मतलब ये है, अगर दिमाग में आप वर्गीकरण नहीं कर पाए इतना एक एक जो है न्यूरॉन्स, उनमें कई हजार जीबी डाटा कलेक्ट हो सकते, लेकिन हम उनमें काला कलेक्ट करके रखे हैं। बॉयलॉजी पढ़ना चाहिए जीवन में, जेकर महत्व नहीं है, जे हमारे सफलता में बाधा के वही सब है। फलानी का सोचा था मोर बारे में, मर जाए फलानी, दे का सोचा था तोर बारे में, वो मैटर होना चाहिए जीवन में। आधा जन के दिमाग में यही चल रहा है, आज ओकर सन्नी गोठिया हो तो का की ही सोही। एक से एक सोचने वाले लोग कहा थे हमारे से कैसे याद नहीं होता, ये दिमाग को लगाओ जिधर जो जीवन बनाने वाला है, और जो जीवन बिगाड़ने वाला है उधर से हटाओ फिलहाल, आइसोलेशन। राम भगवान राजा रही से 14 बरस के वनवास आए के बाद पत्नी त्याग करी से, प्रेग्नेंट रही सुहा, और लव कुश के जन्म आश्रम में करवा है, और आश्रम में ही शिक्षा पा है। आइसोलेशन बहुत जरूरी है, पहली गुरुकुल व्यवस्था ऋषि, हाँ परिवार से कटअप होगा तभी जीवन में कुछ कर पाओगे। भगवान राम भगवान इसलिए है क्योंकि परिवार से कटअप है, 14 वर्ष आइसोलेशन, तब राम हाँ भगवान श्री राम के रूप में पूजा जात भाचा कहा था ना मन है ये अते मरत झपा था, हर चार दिन में फूफूल फोन लगा था, ममल फोन लगा था, वो कैसे चला थे कैसे चला थे, तोर जीवन बर्बाद हो गया बने छेबे नहीं है, कट ऑफ होना है कट ऑफ। कम से कम आज का दिन नहीं हो बस 2 महीना थो जा, 2 महीना है, और देखो कर पावर जैसे हटवे समाज से कत का इंटरनल एनर्जी ग्रो कर ही थी, शक्तिमान टाइप के अस्तित्व में आ गया, पूरा एनर्जी स्टोर करे शुरू, तब ये खुल ही। चार जन से मिलत जुलत रहे ना नहीं खुले। तो अगला क्लास से बात करूं ये सब चीज, जो जिला की स्थिति, कुछ कुछ फसल जो स्टार लगाए वो ध्यान देना है। आ गया ना समझ यहाँ तक।